Okay, so that is how we have seen the reign of terror, that it was for 1 year, and it was because of Robespierre, who was the leader of Jacobin Club. He imposed severe control and punishment. So all the people, like the enemies, the member of his own political parties, even the member of other political parties, if they were not agreeing with him, he used to arrest them and imprison them. He also, if the court has found them guilty, then he used to guillotine them. Then we have seen that again he imposed, you know, laws on daily wages like meat and bread, and he forced everyone to eat equality bread, and he had forbidden white flour. Then we have seen that he had made a restriction that people should not, you know, what do you say, express themselves, express others in the word sir and madam, but they should use the word citizen. And then finally, people were not happy with him. They decided to, you know, get free from this Robespierre. And finally, in July 1794, he was arrested and sent to guillotine. Is it clear? Robespierre was arrested. Yeah, Robespierre, he himself, like he was sent to guillotine by the court in July 1794. Okay. So this is the figure which shows the revolutionary government sought to symbolize the loyalty of its subject through various means. Okay. This is again a diagram. We will see it in the next. Next. A directory ruled France. ठीक है, अभी क्या होता था, वैक्यूम जैसा होता है बच्चा, जैसे अभी जैकोबियन का जो लीडर है वो अरेस्ट करके उसको किल कर दिया, तो जैकोबियन के सीट्स बच जाते हैं, जो जैकोबियन का ये था कन्वेंशन था, ये प्लेस अभी खाली है, उसमें प्लेस है लोगों को फिल करने के लिए, बिकॉज ऐसे अभी पीपल अगेंस्ट थे उसके, तो पावर कम हो गई जैकोबियन की पावर. तो यही हम लोग देखते हैं, द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. कि सिंस अभी जैकोबियन का लीडर मारा गया था, एंड वेन द लीडर इज किल्ड ना, तो इतना उसका ये नहीं होता है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है. तो अभी जैकोबिन गवर्नमेंट एकदम ठंडी पड़ गई थी, दे वर नॉट इनटू फोर्स. एंड यू नो वेल्थियर मिडिल क्लास, द नोबल्स एंड द क्लर्जीज, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर दिस पावर के ये चांस हम लोग को कब मिले, एंड देन दे डिसाइडेड टू अगेन रूल ऑन द कॉमन पीपल. अभी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्शंस लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, इन्होंने नया बनाया था कन्वेंशन, जिसमें इन्होंने बोला कि सबको राइट मिलेगा वोट करने का ऑन द एज ऑफ 21, नो मैटर वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे. बट वेल्थियर मिडिल क्लास आए एंड इन्होंने नया रूल बनाया, उन्होंने वो रूल को डिनाई कर दिया, एंड उन्होंने बोला कि जो नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन है, मतलब क्या कि जो टैक्स नहीं पे कर रहा है उनको वोट नहीं मिलेगा, वैसा वो लोग वोट नहीं करेंगे वैसे. It provided for two elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of a power in a one-man executive as under the Jacobins. ठीक है कि क्या हो गया अभी? उन्होंने देखा Jacobins का क्या हो गया था? It was a one-man executive leader, right? कि Jacobin का अकेला leader था Robespierre, तो उनको पता चला कि Robespierre मतलब कैसे leader अगर एकदम स्ट्रिक्ट हो गया तो पूरे क्लास को, पूरा जो क्लब है उनको, सबको सहन करना पड़ता है. सो नाउ दे दीज मिडिल वेल्थियर मिडिल क्लास, दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे. तो उन्होंने लेजिस्लेटिव में एक डायरेक्टरी बनाई. ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखो दे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसमें उन्होंने डायरेक्टरी बनाई. तो अगर आप ये स्ट्रक्चर वापस देखो, ठीक है ये वाला स्ट्रक्चर देखो, तो ये नेशनल असेंबली को कट कर दिया था और कन्वेंशन जैकोबियंस ने लाया था, बरोबर. अभी ये वेल्दियर लोगों ने क्या किया, कन्वेंशन को भी कट कर दिया और क्या लाया,
what word we have seen, D से अभी कौन सा वर्ड था? ओके मैं बताती हूँ, भूल गए क्या आप ही? वापिस नीचे जाना पड़ता है ना, इसमें वो प्रॉब्लम है. डी से कौन सा वर्ड लाया ये लोग ने? डायरेक्टरी. ओके सो दे क्रिएटेड डायरेक्टरी नाउ. के उन्होंने कन्वेंशन को कट कर दिया एंड दे क्रिएटेड डायरेक्टरी. अभी डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी वाज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल. उनको पता है ना कि ये देखो यहाँ पे नेशनल असेंबली को कट करके डायरेक्टली लाया, क्योंकि पहले जब कन्वेंशन था तो कन्वेंशन में अकेला वो था लीडर, तो लीडर के वजह से सबको सहन करना पड़ा. सो दैट वाज वन मैन आर्मी, राइट? रॉबेस्पायर अकेला लीडर था. तो अभी इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो डायरेक्टरी है ना उसमें हम लोग 5 लोग लाते हैं. सो 5 लोग लगेगा तो इट वॉन्ट बी लाइक अ वन मैन आर्मी टाइप, समझा? तो वैसे उन्होंने किया, समझा? वॉट वेल्दियर पीपल डिड. Yes, ma'am. Yes, yeah, ma'am. So they created a directory which was an executive made up of 5 members. Ke usme kitne members the? 5 members the. Aur unhone 5 ka idea क्यों लाया? बिकॉज दे न्यू के जेकोबिन्स में कैसे वन मैन पावर था, तो सब लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसीलिए दे डिसाइडेड डायरेक्टरी में हम लोग 5 मेंबर्स रखेंगे. फाइन. हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, अभी डायरेक्टरी बनाया था बट डायरेक्टर और लेजिस्टर का बच्चा देखो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल का आप बच्चा अनम्यूट योरसेल्फ. या ये देखो यहाँ पे डायरेक्टरी बना दिया और लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी का आप में जमता नहीं था. सॉरी, डायरेक्टरी यहाँ पे आ गया बच्चा. दे क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टरी ना, तो डायरेक्टरी यहाँ पे आ गया, किंग के बदले डायरेक्टरी आ गया, और ये यहाँ पे लेजिस्लेटिव था. तो इनका डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव का यू नो द पॉइंट ऑफ व्यू, द आइडियाज वर नॉट. किंग की जगह पे डायरेक्टरी और नेशनल असेंबली की जगह लेजिस्लेटिव. या बिकॉज यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव लिखा है ना, और यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, दे क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टरी. सी एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. तो डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव के पार्ट में जाता था, तो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव असेंबली का यू नो पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता था. एंड देयर वर ऑफन क्लैशेस. क्लैशेस मतलब क्या? डिस्प्यूट्स होते थे, झगड़ा होता था. एंड इसके लिए ये जो डायरेक्टर्स था, डायरेक्टरी था, वो भी एकदम अभी ठंडा हो गया, वो भी ढीला पड़ गया. एंड इसका एडवांटेज, एज आई सेड, वैक्यूम जैसा होता है. जब जैकोबियन ढीला पड़ गया तो किसने एडवांटेज ले लिया? वेल्थियर मिडिल क्लास पीपल ने एडवांटेज लिया. एंड अब जब डायरेक्टरी एकदम ठंडा पड़ गया तो किसने एडवांटेज ले लिया? मिलिट्री डिक्टेटर जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट. समझा यहाँ तक? Everyone is just waiting that when the people, you know, they would get weakened and we would rule. समझा what happened? मतलब मैम सब लोग अपने रूलिंग के लिए वेट कर रहे थे क्या? या सबको ऐसा था कि कभी मैं रूल करूँ ऐसा. Okay, so now Napoleon Bonaparte, he came into picture. Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following country century. Kaise sab hota rehta tha, all of these changes were in the form of government. Ke kabhi consecutive aata hai, kabhi directory aata hai. Ye sare changes ho rahe the, but at the same time people, they used to keep themselves motivated कि ये political movement कब France का खत्म हो, कब Europe का खत्म हो, and we live a normal life. ठीक है? Is it understood? Yes, ma'am.
Okay, so for today we'll do this much only. Actually, I wanted to teach this sub question like part 4 also today, but still we are running off time. 15 minute to aap log ka wo starting mein revise mein chala gaya mera. No problem. 4, 5, 6 and the question answer we will do in the next part. Theek hai? Yes, ma'am. Okay, now I wanted to ask you ke aap log ka ye